अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है मलिक अरशद हुसैन और आप देख रहे हैं योर चॉइस गुरु। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने टिकटॉक के व्यूज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी वीडियो को वायरल कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, वीडियो को कम्प्लीट देखना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइज, आप लोगों को पता है कि आजकल टिकटॉक के ऊपर व्यूज का ना आना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि टिकटॉक के जितने भी यूजर्स हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं कि वो हर किसी की वीडियो को नहीं देखते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर कॉमेडी में चले जाएँ तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लिपसिंग में चले जाएँ तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके बाद सिंगिंग में चले जाएँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो वो आपकी वीडियो क्यों देखें? हाँ, वो आपकी वीडियो तब देखेंगे जब आपका कंटेंट अच्छा होगा। आपने पहली प्रायोरिटी ये रखनी है कि आपका कंटेंट अच्छा हो। आजकल टिकटॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है। पहले ये होता था कि कोई भी बंदा किसी तरह की वीडियो बना के डाल देता था तो उसकी वीडियो वायरल हो जाती थी, लेकिन आजकल कॉन्टेंट के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। आपका एक टॉपिक होना चाहिए, मिसाल के तौर पर आप कॉमेडी बनाते हैं तो आप कॉमेडी होनी चाहिए या लिपसिंग में हो। पहली प्रायोरिटी की ये है कि अगर आप कॉमेडी करते हैं तो आपके फेमस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको ट्रिक्स तो बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी वीडियो फेमस हो सकती है, वीडियो वायरल हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप इंशाल्लाह अगर उस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह आपकी मेहनत होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी वीडियो एक हफ्ते के अंदर अंदर वायरल होगी। आपने करना क्या है? सबसे पहले अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, अपना कंटेंट यूनिक बनाना है, अच्छा बनाना है। देखें, लिपसिंग के ऊपर आप देखते हैं एक साउंड आती है, उसी साउंड के ऊपर आप धड़ाधड़ वीडियो बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। उसी वीडियो के साउंड में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से चेंज करके डालना है, तो वो आपका एक यूनिक कॉन्टेंट बन जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। पहला आपने सुन लिया। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, अपने अकाउंट को प्रो करना है। अब प्रो अकाउंट का क्या मकसद होता है? दूसरा आपने क्या करना है कि अपने अकाउंट को प्रो करना है। प्रो करने के लिए आपने क्या करना है, आपने, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, डॉट लगाना है, इस पर आपने क्लिक करना है, दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर जाना है, अकाउंट सेटिंग वगैरह में, उसमें जाकर पर्सनल अकाउंट होगा तो उस पर्सनल अकाउंट को प्रो अकाउंट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही अपने अकाउंट को आप प्रो अकाउंट करेंगे, प्रो अकाउंट का फ़ायदा क्या होता है, उस पर आपको वीडियो के एनालिटिक्स जो है ना वो वगैरह आप देख सकते हैं, इस वीडियो में कितने व्यू है, क्या आपकी फॉलोअप एक्टिविटी है, कौन सी वीडियो आपकी ट्रेंडिंग है, किस किस्म की आपको वीडियोज वगैरह बनानी चाहिए। अच्छा, उसमें आप जैसे ही जाएंगे, आप अपने अकाउंट को प्रो अकाउंट कर जाएंगे, तो आपके लिए फ़ायदा क्या होगा कि आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस कैसे बढ़ जाएंगे, कि आपको पता होगा कि आपकी फॉलोअर एक्टिविटी कैसे है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉलोअर एक्टिविटी कैसे पता चलती है। आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रो अकाउंट सेटिंग में जैसे प्रो अकाउंट कर लेना, उसके बाद आपने एनालिटिक्स में जाना है। उसमें क्या होगा कि वो आपके 48 घंटे के अंदर आपके एनालिटिक्स शो करेगा। आपने क्या करना है, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन होगा फॉलोअर्स का, उस फॉलोअर्स के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो नीचे नीचे सबसे जाना है, तो आपको बता रहा होगा फॉलोअर एक्टिविटीज़, तो फॉलोअर एक्टिविटी के नीचे एक टाइम लिखा आ रहा होगा, वो टाइम आपका यूनिक टाइम होगा कि जिस टाइम अगर आप अपनी वीडियो अपलोड करो तो आपकी वीडियो वायरल होने के काफ़ी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपने ये करना है। ये दो तरीके तो आपको मैंने लाइव स्क्रीन में बताया, एक तरीका इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं, तो आपका अकाउंट किस तरीके से अनफ्रीज हो सकता है, उस पर व्यूज़ वगैरह कैसे आ सकते हैं, वो इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह लास्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से आप अपने अकाउंट की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने अपने अकाउंट की फॉलोइंग एक्टिविटीज़ में जाना है, फॉलोअर एक्टिविटी में जाना है, उसमें देखना है किस टाइम आपके व्यूज वगैरह ज़्यादा है या किस टाइम आपके फॉलोअर एक्टिविटी ज़्यादा है, वो आप बता रहा होगा। एक तो उसने टाइम दिया होगा, दूसरा आपको नजर आ रहा होगा पूरा ग्राफ एंड मैप के ऊपर कि कैसे किस टाइम आपके फॉलोअर्स कितने होते हैं, तो वो मैं आपको इधर साफ दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से किस टाइम आपके फॉलोअर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने इसको भी मद्देनजर रखना है। तीसरी चीज़ आपने क्या करना है, आपने वीडियो का जो जिस तरह आपने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं सिर्फ सिंपल लिपसिंग करते हैं तो उनके अकाउंट के बारे में होते हैं, दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा यूनिक काम करते हैं, जैसे क्या कि लास्ट में कोई ना कोई साउंड ऐड कर देते हैं, बैक पे कोई ना कोई बैकग्राउंड डाल देते हैं या किसी के साथ हो जाते हैं, इस तरीके से क्या होता है कि आपकी वीडियो वायरल होने में ज़्यादा चांस रहते हैं।
मिस्टर फैजू जिसके आप बहुत बड़े फैन हैं, वो कहते हैं कि मैं जिस टाइम मेरा सवाल था मुझे कोई नहीं जानता था, तब भी मैं दिन में 10 वीडियो अपलोड करता था और आज मैं अपने दिन में 10 वीडियो अपलोड करता हूँ। आपने क्या करना है, अपनी कंसिस्टेंसी आपने बरकरार रखनी है, आपने वीडियो की तादाद को अप डाउन नहीं करना। आप जितनी वीडियो आज डाल रहे हैं आपने वीडियो कल डालनी है। आपने अपने आप के साथ कमिटमेंट करनी है कि आप वीडियो कितनी डाल सकते हैं, लेकिन डेली बेस पे कम से कम एक वीडियो तो डालें। अगर आप ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं तो कम से कम 5 वीडियो डालें। अगर आप आस्ते आस्ते ग्रोथ चाहते हैं तो एक वीडियो तो लाजमी डालें। अभी एक तरीका आपको मैं मोबाइल स्क्रीन पर बताने जा रहा हूँ, तो आपने मोबाइल स्क्रीन पर देखना है, चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अच्छा गाइज, आपने करना क्या है कि सेटिंग में आने के बाद अपने रिपोर्ट अ प्रॉब्लम में जाना है। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम में जाते हुए ये नीचे से फोर्थ नंबर ऑप्शन आता है रिपोर्ट एंड कंप्लेन, इसमें आपने जाना है और अदर इश्यूज पे क्लिक करना है। अदर इशू वोट रिस्पॉन्डिंग, नीचे सबसे चले जाना है स्टिल हैव अ प्रॉब्लम, या डिस्क्रिप्शन में ये टाइप करना है। मैं तो हमसे ये टाइप करता हूँ, आपने ये करना है, डियर सर आई हैव 10K या जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं बट माई वीडियो नॉट रीचिंग टू देम, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये आपने टाइप करके यहाँ पे आपने लेटेस्ट जो भी स्क्रीनशॉट है वो आपने ले लेनी है अपने अकाउंट की और वो इधर अपलोड कर देनी है। नीचे अपना कोई भी एक्टिव कॉन्टैक्ट ईमेल लिख देना है, तो इधर से आपने सेंड कर देना है। ये कब तक सेंड करते रहना है, मे बी 3 दिन या 4 दिन लगते हैं, आपने 3 दिन उसको लगातार सेंड करते रहना है जब तक आपको टिकटॉक का रिस्पॉन्स ना आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो की कम्प्लीट बातें समझ आ चुकी होंगी और बहुत हेल्पफुल भी होगी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इंशाल्लाह मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई बात समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर नई वीडियो के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।